यह है सोनपुर मेला का तीसरा और आखिरी पार्ट। अगर आपने अभी तक हमारा इससे पहले दो पार्ट नहीं देखा सोनपुर मेला का, तो पहले वो देख कर आइए, फिर आपको ये वीडियो समझ में आएगी। इस झूला को क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता, मगर इस पे जो कोई भी जाता है उसका फट के हाथ में आ जाता है। यहाँ तक तो बात फिर भी ठीक ठाक है, मगर इस वाले झूले पे जाने के लिए आपके ऐस में गुदा होना चाहिए। कहा है कि इस वाले झूले पे जाने के बाद झूला आपके साथ फुटबॉल की तरह खेलती है। अगर आप हार्ट के पेशेंट है तो आप इस झूले पे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि बच्चे और हार्ट के पेशेंट इस झूले पे नहीं जा सकते। जरा इसको फास्ट मोशन में देखिए, और यहाँ पे बैठने वाले सारे लोग एक ही साथ यही बोल रहे हैं, भाई लैंड करा दे भाई मेरे, मैं माता चूं जो इसमें आया भाई, तो 200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे भाई, 500 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे आज हमारा। उन लोगों का लैंड लैंड तो नहीं हुआ, मगर आप ये सोनपुर का अचार खाइए। यहाँ पे आपको मिलेगी आंवला, कटहल, आम जैसे 12 प्रकार के अचार। यहाँ पे बनाई जा रही थी फ्रूट आइसक्रीम। मैं और हमारे दोस्त लोग लपेट दिए आइसक्रीम को और चले गए आगे घूमने के लिए। और ये छोटी सी लाइट इतना महंगा बिक रहा है, मानो जैसे कि वो लोग कह रहा हो मेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। रोनाल्डो भाई साहब ने कोका कोला की माँ बहन एक कर दी थी, फिर भी कोका कोला की आदत नहीं छूटती है। इसको देखिए, हिरण को मार के ऐसे मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? 44 किलो है। आप चमत्कारी व्यक्ति है, आप हर काम आराम से करते हैं। इस झांटू को मैं बस इतना कहूँगा, चल बाजड़ी के। यह है बिहार सरकार का एक नई पहल जो लोगों को जागरूक कर रही है ट्रैफिक नियम समझने और समझाने के लिए, साथ ही साथ फॉलो करने के लिए भी। इसलिए मैं बिहार सरकार के लिए ताली बजाना चाहूँगा। चलिए अब आपको दिखलाते हैं बिहार का प्रसिद्ध खादी भंडार। चल 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 चल। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है ये तो बंद हो चुकी है, इसलिए हम आगे रेलग्राम घूमने के लिए। इसमें घुसते यहाँ का दृश्य एकदम बवाल दिखा। यहाँ पे वो सारी उपलब्धि दर्शाई गई है जो रेलवे में महिला पुलिसकर्मी के द्वारा किया गया है, एवं पुरस्कार मिला गया है। ये दर्शाया जा रहा है चंद्रयान 2 का सफलता। मजाक से हट के अब आपको कुछ सीरियस चीजें दिखाते हैं। ये दर्शाया जा रहा है जब एक महिला का शादी हो जाती है तो उसके कुछ महीनों बाद वो गर्भवती होती है, और गर्भवती महिलाओं को समय समय पे डॉक्टर से जांच कराना अनिवार्य होती है। स्तनपान से अच्छा बच्चों के लिए कोई दूसरा आहार नहीं हो सकता, और जब पहला बच्चा स्कूल जाने लगे तब दूसरा बच्चा करना चाहिए, और दो से ज्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए। छोटा परिवार सुखी परिवार। और फिर हम चले गए कार्यक्रम देखने। कार्यक्रम बोले तो श्वेता मिश्रा का गाना सुनने के लिए। ये वही सिंगर है जिन्होंने ये वाला गाना गाया है। और फिर हम आगे क्राफ्ट बाजार। यहाँ पे मुझे दिखा कई सारे हाथ से बनी हुई अद्भुत चीजें जो निब्बा निब्बी एवं लवर्स के लिए भी है। जैसे कि इस लॉकेट को देखिए, इसमें एक चावल डाला गया है जिसके ऊपर आप किसी का भी नाम लिखवा सकते हैं। हालांकि ये चीजें विदेश में ज्यादा चलती है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? फिर मुझे दिखा सिंदूर का एक डब्बा जो मैं अपनी पत्नी के लिए खरीदना चाहता था। तभी मेरा दोस्त मुझे याद दिलाता है कि पत्नी तो दूर की बात, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। उस सब को छोड़िए, अब आपको दिखलाते हैं असली कारीगरी। यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें हैं ना दोस्तों, वो सारी बनाई गई है हाथों से एवं अलग अलग प्रकार के लकड़ियों से बनाई गई है। और ये देखिए, लड़कियों का चहेता और हम लोगों का दुश्मन। इस वाले मशीन में एक पेपर के रील के थ्रू लेंस लगाकर दिखाया जाता है, और उस रील में बिहार के अलग अलग फेमस जगह के फोटोज होते हैं, और वहाँ बैठे बैठे आप पूरा बिहार का भ्रमण कर सकते हैं फेमस जगहों का। आंख लगाकर देखने पे कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। चूतिया बनाया तुमको। यहाँ एक छोटी सी झलक हमारे गाँव देहात को भी दर्शाया गया है, और ये ऊपर चार की छत जो आज भी कहीं कहीं देहाती इलाके में दिखाई देती है। और अब तो बैलगाड़ी विलुप्त होने की कगार पे है। आर्ट एंड क्राफ्ट के ठीक बाहर आपको चकला, बेलना, घर की सामग्री का भी दुकान मिल जाएगी, और कुछ सस्ते कपड़े भी मिल जाएंगे। और ये रहा फेमस टर्किश आइसक्रीम जो कि 100 रुपये बिकती है, जिसको ट्राई करेगा हमारा दानिश भाई। अब हम आए हैं सोनपुर मेला के दूसरे पार्ट में,
और यहाँ पर भी झूला वूला बहुत ही बेहतरीन लगा हुआ है, यहाँ पे ज़्यादातर झूला ही है। चलिए आगे का पिक्चर को देखते हैं। इस वाले रो में खाली झूला ही झूला है और सबसे कम प्राइस है इस वाले झूले का, 20 रुपये रेट है उस वाले नाव वाले झूले का। और इसका प्राइस कितना विशाल, इसका 30 रुपये रेट है। और ये जो है आपका ब्रेक डांस, इसका प्राइस है आपका 50 रुपया, कितना सॉरी 40 रुपये, 40 रुपये। मतलब यहाँ पे तो बाकी से सस्ता ही है। मतलब उस तरफ जब गए हुए थे, उस तरफ जहाँ पे वाला झूला है बहुत महंगा प्राइस था, यहाँ पे थोड़ा सस्ता है।